नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। अगर आप लोग इस कंपनी का एक भी शेयर होल्ड करते हैं तो आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। और इस वीडियो में आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज मैं लेके आया हूँ, जो कि आप लोग को वीडियो के एंड तक मिल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। काफी अच्छा लगता है जब कोई वीडियो को लाइक करता है और चैनल को सब्सक्राइब करता है। बात करते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में। आज के दिन हम लोग को इस शेयर में 2.20 रुपए तक की बढ़त देखने के लिए मिली है। मार्केट आज हमारे से ₹23 के आसपास खुलता हुआ दिखाई दिया था। महज मार्केट में डाउनफॉल तो हम लोग को देखने के मिला था, लेकिन उसके बाद मार्केट में अच्छी तेजी हम लोग को आज के दिन देखने के लिए मिली है। अभी शेयर का जो करंट प्राइस है ₹124 पर ये शेयर करंटली ट्रेड कर रहा है। बात करते इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, तो जो सपोर्ट आप लोग को बनता हुआ दिखाई दे रहा है 117 के आसपास, इसके लिए आपको सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई देगा आप लोग को 129 पर इसका रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई देगा। आने वाले टाइम में पूरी पूरी उम्मीद है कि आप लोग को इस शेयर का जो रेजिस्टेंस है 129, इसको जो इजिली ब्रेकडाउन कर देगा, ब्रेकआउट कर देगा, और उसके बाद 136 तक ये शेयर आप लोग को देखने के लिए मिलने वाला है आने वाले टाइम में। तो अगर आप लोग देखते हैं, आप लोग इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का एक भी शेयर होल्ड करते हैं तो आप लोग के लिए एक अच्छी न्यूज और निकल के आ रही है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में। तो देखा जाए जो कंपनी के बोर्ड से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के, उन्होंने अप्रूव कर दिया है 1:2 का बोनस, यानी कि 2 शेयर अगर आप लोग होल्ड करते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के, उसमें आप लोग को 1 शेयर एज अ बोनस मिलने वाला है। तो सीधे से देखा जाए आप लोग का, अगर आप लोग इस कंपनी के 2 शेयर भी होल्ड करते हैं जो कि होते हैं ₹250 के, और उनका जो सीधा सीधा आप लोग को एक एक्स्ट्रा बोनस मिलने वाला है, तो आप लोग को सीधा ₹125 के आसपास प्रॉफिट कर दिया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने। लेकिन जब भी कोई कंपनी बोनस अलाउ करती है तो उस साल आप लोग को उस टाइम के लिए, थोड़ी टाइम के लिए शेयर का प्राइस थोड़ा सा ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आप लोग बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनके पोर्टफोलियो में बहुत शेयर है, कंपनी के शेयर रहते हैं, वो थोड़ा सा अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, जिसके चलते शेयर में डाउनफॉल देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होती है तो कोई घबराने वाली बात नहीं होती। उस डाउनफॉल के बाद भी जो कंपनी का शेयर है वो बहुत ही तेजी से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। और जो मैंने आप लोग को टारगेट बताया है वो भी टारगेट इस शेयर में बहुत ही जल्दी आप लोग को तोड़ते हुए दिखाई दे देगा, 129 का टारगेट और 136 का टारगेट। और फंडामेंटल्स पे अगर हम लोग देख लेते हैं कंपनी के, तो कंपनी का जो ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,17,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। डिविडेंड भी कंपनी काफी अच्छा पे करती है, और इस साल देखा जाए तो कंपनी का जो प्रॉफिट है 25,000 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट करा है। पिछले एक साल में शेयर का प्राइस जो आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा 22% तक का रिटर्न शेयर आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा इस शेयर में। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करते तो 51% तक की प्रमोटर्स होल्डिंग इस शेयर में है। प्रमोटर्स का जो स्टेक है होल्ड कर रहे हैं। रिटर्न ऑफ इक्विटी 20% तक की आप लोग को इस शेयर में देखने को मिल जाएगी, जो कि काफी अच्छी बात है। एक अच्छे शेयर की जो हम लोग रिटर्न ऑफ इक्विटी मानते हैं 15% से लेकर 19% तक देखने के लिए मिल जाती है। इससे ज्यादा जितने भी शेयर है वो काफी अच्छी कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। और बात करते कंपनी पर डेप्ट के ऊपर, यानी कि कर्जा कितना है, तो 1,32,000 करोड़ का कंपनी पर कर्जा है। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हमेशा से काम करती आ रही है फ्यूचर स्कोप के लिए। देखा जाए जो 2 कंपनीज है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और दूसरी BPCL और एक और कंपनी है HPCL, ये 3 कंपनीज हमेशा अपने फ्यूचर को लेकर काफी ज्यादा सिक्योर है। ये लोग EVs में, हाइड्रोजन फ्यूल्स में काफी ज्यादा काम कर रहे हैं ताकि आने वाले फ्यूचर कंपनी का सिक्योर रहे। इसके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात कर लेते तो मार्च 2022 में जो करंट ईयर हमारे पास हुआ है, इसमें कंपनी को 25,000 करोड़ का प्रॉफिट देखने के लिए मिला है आफ्टर टैक्सेस, और टैक्सेस से बिफोर कंपनी को 334,000 करोड़ का प्रॉफिट देखने के लिए मिला है। ये जितने भी फिगर्स आप लोगों को यहां पे शो हो रही है, ये सारे के सारे फिगर्स आप लोगों को इन क्रॉस देखने के लिए मिल रही है। इसके हम लोग प्रमोटर्स होल्डिंग के बारे में बात कर लेते हैं, जो इन शेयर होल्डिंग बैटर, इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 51% तक का स्टेक होल्ड कर रहे हैं, और जो FILs है उनका भी 8% तक का स्टेक होल्ड कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है जो FILs है उनके पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में स्टेक बढ़ा है, यानी कि शेयर में आप लोग को तेजी देखने के लिए मिलने वाली है। और DIEL का स्टेक जो हम लोग देखते हैं वो 1% कम होता हुआ हम लोग को दिखाई दे रहा है पिछले क्वार्टर में। गवर्नमेंट जो है उसका भी आप लोग को जीरो जो स्टेक था पहले वही देखने के लिए मिल रहा है। और जो पब्लिक है आपके माइंड से लोग, उनमें भी एक अवेयरनेस जागी है इस शेयर को लेकर, और उनका भी 1% तक का स्टेक इस शेयर में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग आप लोग को देखने के लिए मिलने वाली है। हो सकते हैं बोनस के चलते इस शेयर में आप लोग को थोड़ी बहुत गिरावट देखने के लिए मिल जाए, लेकिन उसके बाद शेयर में आप लोग को अच्छी तेजी देखने के लिए मिलने वाली है। तो बस गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना है। ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर मत भूलना। और कोई भी क्वेरी है रिलेटेड आप लोग को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। मैं मिलूंगा जल्दी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।